भाई साहब नीचे कर लीजिए थोड़ा। मैं कह सकता हूँ आजादी के बाद सर्वाधिक मजबूत स्थिति में इस समय हम लोग खड़े हैं, लेकिन हमको याद करना होगा कि कांग्रेस पार्टी के उनके प्रणेताओं ने किस ढंग से गांधी के नाम को अपने आगे लगाते हुए देश के लोगों को गुमराह करते हुए भारत के लोकतांत्रिक जो अधिकार थे, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार थे, उनको समाप्त करके लोगों पर रोड रोलर चलाने का काम किया था, लोगों को नेस्त नाबूद। उसका मुखिया कोई नहीं होगा, संपत्ति का वारिस कोई नहीं होगा, जबकि समाजवादी पार्टी अपने उद्भव काल से एक परिवार की पार्टी बनकर के रहेगी। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस विषय को मैंने आपके बीच में कहा, हर चौराहे पर गली मोहल्ले में बताना पड़ेगा यही कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, इनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है। इसलिए मेरे साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनको प्रणाम करने आया हूं, वंदन करने आया हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे जो लोकतंत्र सेनानी उनका सम्मान हो। न्यायमूर्ति सिन्हा जी को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किया था। इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी थी, उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने, अभी आदरणीय बीरेन जी ने संस्मरण सुनाए, हमारे जनसंघ के जो शीर्ष नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जो पुराने समाजवादी नेता थे उनको भी। उपसभापति जी, कोई भी समाचार बगैर सेंसर के छप नहीं सकता था, हमें कुछ भी कहने की आजादी नहीं थी, यानी जो सरकार कहेगी, सरकार चाहेगी, वही हम अपने मुंह से कह सकते थे। आपातकाल ऐसी एक संगोष्ठी में हम सबके बीच में अपने बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश का सुनती सदस्य का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, आदरणीय गुलशन आनंद जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, भाई प्रसाद वीरपाल गंगवार जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, वीरपाल गंगवार जी भाई साहब जिला महामंत्री मंच पर कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा, तो लोग कहेंगे कि राहुल जी जब शादी कर लेंगे, और जब बच्चा जो